आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPAT यानी कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्ज़ाम से गवर्नमेंट के कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्रीरियन BHU। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे कि जो PAT एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, मार्क्स कितना होता है, सब्जेक्ट ग्रुप कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो PAT का एग्ज़ाम होता है वो 200 नंबर का आता है। 200 नंबर का आता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन एक नंबर का आता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट ग्रुप हैं वो है PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से भी आप इसको दे सकते हैं एग्ज़ाम को। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है PAT में जो है वो है PCMB AG यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी और AG यानी कि एग्रीकल्चर से भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इसी से ज़्यादातर लोग देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं PCB सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे PCB है तो 50 क्वेश्चन फिजिक्स से आ गए, 50 केमिस्ट्री से और 100 हो गए बायोलॉजी से। ठीक है, सेम ऐसा ही है, अगर PCM है तो 50 फिजिक्स से, 50 केमिस्ट्री से और 100 क्वेश्चन हो गए मैथ से, तो हो गए 200। PCMB में क्या होता है, जो PCMB है उसमें एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25, मैथ से 25 और बायोलॉजी से 25, तो ये पूरे हो गए 100 मार्क्स। और जो AG है इसमें भी दो होते हैं, पशुपालन और फसल उत्पादन, तो पशुपालन से 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन अपने फसल उत्पादन से, तो टोटल ये भी हो गए आपके 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चरल कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं MP में, तो MP में PAT के एग्ज़ाम के लिए दो ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, पहली है JNKBB और दूसरा है RVSKBB, एक और है जबलपुर में लेकिन वो वेटरनरी के लिए है। ठीक है, तो पहली की हम बात करने वाले हैं JNKBB यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट, वो हुआ था 2 अक्टूबर 1964 में, यानी कि पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय था वो 1960 में था, उसके 4 साल बाद ही इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और बहुत फेमस है JNKBB। ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी जो है RVSKBB जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, ये 2008 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, ये नई यूनिवर्सिटी है। तो टोटल दो ही यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आपको PAT के थ्रू दाखिला या एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंडर में, इनके अंतर्गत कुछ कॉलेज भी होते हैं जो मतलब इन्हीं यूनिवर्सिटी से उनको मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो JNKBB में लगभग 7 कॉलेज हैं जो JNKBB यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, और RVSKBB में 4 हैं। ठीक है, तो अब उनकी हम बात करेंगे। तो JNKBB जो है यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये बताया था 2 अक्टूबर 1964 को इस्टेब्लिश हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो JNKBB जो है, सभी PAT वाले स्टूडेंट का यही सपना होता है कि वो या तो जबलपुर में एडमिशन ले या फिर इंदौर में। ठीक है, तो JNKBB यूनिवर्सिटी जबलपुर में है, तो JNKBB में कौन कौन से कॉलेज आते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। पहला कॉलेज आता है जबलपुर में ही है, जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर। दूसरी की बात करेंगे वो है विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, यह है गंजबासोदा नाम की जगह में। ठीक है, तीसरा है खुरई में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खुरई, जो कि सागर जिले में है। चौथा है टीकमगढ़ में, और पांचवा है पवारखेड़ा जो कि होशंगाबाद जिले में आता है, और छठवा है रीवा में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा, और सातवा कॉलेज है बारा सेवनी बालाघाट में। ठीक है, ये तो सब एग्रीकल्चर कॉलेज हो गए, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी होती है, तो वो भी जबलपुर में ही है। ठीक है, वो पूरी MP में जबलपुर में ही होती है, अभी रहली में भी खुल गया है एक। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि RVSKBB जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें कौन कौन से कॉलेज आते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये 19 अगस्त 2008 को इसकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस यूनिवर्सिटी का। इसमें 4 कॉलेज हैं। ठीक है, पहला है ग्वालियर में ही है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर। दूसरा है इंदौर में, जो कि बहुत फेमस कॉलेज है, क्योंकि ये इंदौर में ही है इसलिए ज़्यादातर इसको पसंद करते हैं स्टूडेंट लेना। और तीसरा है RAK यानी कि रफ़ी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि सीहोर में है भोपाल के पास। और एक और कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो खंडवा में है, ये इंदौर के पास है। ठीक है,
तो इतना क्लियर हो गया होगा। 4 कॉलेज हैं RBS KVB के अंदर में और 7 कॉलेज हैं JNKVB में, ठीक है। टोटल आपके 11 कॉलेजेस हो गए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर कॉलेज की, यानी कि उद्यानी की। तो हॉर्टिकल्चर में जो है वो MP में 2 कॉलेज आते हैं, ठीक है। मतलब दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एक एक कॉलेज आता है। जो पहला है RBS KVB में एक कॉलेज आता है जो कि मंदसौर में है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर में है। दूसरा कॉलेज जो है JNKVB के अंदर आता है, ये रहली में है, नया खुला है सागर में। और यही मतलब एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का कॉलेज भी दूसरी ब्रांच JNKVB की यहीं पे है रहली में, ठीक है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हमने जितने भी कॉलेज हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ की पूरी हमने जानकारी आपको दी, सब बताया PAT के थ्रू। और इसमें क्या होता है कि ये जो कॉलेज होते हैं ये आपके कट ऑफ के हिसाब से ही आपको मिलते हैं, मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग ही ये कॉलेज आपको मिलते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इस वीडियो को जितने भी PAT की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, उन सब के साथ शेयर करें। साथ ही एग्रेरियन BHU जो हमारा चैनल है, इसको यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे भी है ये टेलीग्राम के साथ ये चैनल, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी पुरानी भी PAT की, BHU की और ICR की इस वीडियोज़ की भी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।